बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि बंगाल की वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम कर रही है और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार मतुआ, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोग जो यहां आए हैं उनको भारत की नागरिकता देंगे और बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। जेपी नड्डा ने राजारहाट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम CAA की बात करते हैं तो स्थानीय सरकार विरोध करती है। अंबेडकर ने कहा था कि जो दलित भाई हैं जो पाकिस्तान में हैं उनको भारत लाना चाहिए और उसे यहाँ बसाना चाहिए। हमारा मतुआ, नामशूद्र और राजवंशी समाज के लोग यहाँ आए उनको भारत का नागरिक बनाना कर्तव्य है और जिम्मेदारी। वर्तमान सरकार दलितों के खिलाफ काम करती है। आज हम यहाँ पर हैं, मुझे राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करनी, लेकिन जब हम CAA की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ की स्थानीय सरकार उसका विरोध करती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द दलित्स इन पाकिस्तान हु आर बीइंग परसिक्यूटेड दे शुड बी ब्रॉट बैक टू इंडिया एंड गिवन ए सेफ रिफ्यूज। उन्होंने उस समय कहा था कि जो हमारे दलित भाई हैं पाकिस्तान में हैं उनके साथ जो प्रताड़ना हो रही है उनको भारत लाना चाहिए और उनको यहां बसाना चाहिए। ये बात उन्होंने उस समय कही थी, ये हम ध्यान में रखें। लेकिन यहां की TMC सरकार इसका विरोध कर रही है और 130वीं जयंती पर हमें ये याद रखना चाहिए। हमारे मतुआ समाज के लोग, हमारे नमोशूद्र के भाई, हमारे राजवंशी समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं और उनको भारत का नागरिक बनाना यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।